और वहीं योग दिवस के मौके पर दिल्ली के कुतुब मीनार पर कुछ खास होने जा रहा है। लौह स्तंभ पर योग के साथ एक खगोलीय अध्ययन भी जारी है कि आखिर यहां मीनार की परछाई बनती है या नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली का ये कुतुब मीनार एक बार फिर सुर्खियों में है। आज नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी कुतुब मीनार के इर्द गिर्द सूर्य की गति का खगोलीय स्टडी करेगा। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्टडी ये निर्धारित करेगा कि क्या कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है, क्या इसका कोई खगोलीय महत्व है, 21 जून को दोपहर में मीनार की छाया बनती है या नहीं। ये स्टडी सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान हर 10 मिनट पर छाया की लंबाई मापी जाएगी। इस स्टडी के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के साथ वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक संचार प्रमुख डॉक्टर नेरुज मोहन रामनुजम, आर्यभट्ट पर्यवेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और सर्वे ऑफ इंडिया के राजीव ध्यानी शामिल हैं। इस अध्ययन से पहले यहां विष्णु गरुड़ ध्वज यानी लौह स्तंभ के पास एक योग कार्यक्रम हुआ।